अस्सलाम वालेकुम, आरएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला सदफ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ की बानी रुकन फौजिया कसूरी ने एक बार फिर पार्टी फंडिंग पर गुफ्तगू की, जिस दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि आरिफ नकवी का जहाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल होता था। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फौजिया कसूरी ने कहा कि मैं कभी इमरान खान की आरिफ नकवी के साथ हुई मीटिंग में शरीक नहीं हुई, लेकिन हमें पता था कि आरिफ नकवी का जहाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल होता था। इमरान खान की इनसे मीटिंग्स भी हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हर मुल्क से कई दोस्त थे, लेकिन गैर मुल्कियों से पैसे जमा करना कोई गलत काम नहीं था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी क्रिकेटर्स को कब तक दूसरे ममालिक की डोमेस्टिक लीग्स खेलने से रोक सकेगा। साबिक ऑलराउंडर मुदस्सिर नज़र ने निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीग्स के लिए क्रिकेटर्स को रोकना अब आसान नहीं है, जमाना बदल चुका है। क्रिकेटर्स को हर जगह पर क्रिकेट खेलने की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी तो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक ये मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब खिलाड़ियों को डोमेस्टिक लीग खेलने से रोकने का ज़माना नहीं है। इमरेट्स क्रिकेट लीग के लिए पीसीबी कब तक खिलाड़ियों को रोक सकेगा? वजारत मजहबी अमूर ने 31 अगस्त तक हाजियों को फी कस 1.5 लाख रुपए वापस करने का फैसला किया है। हज ऑपरेशन 2022 की तकमील के बाद गुज़िश्ता रोज वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 अगस्त तक हाजियों को फी कस 1.5 लाख वापस मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशन जज को इसे आज ही सुनने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल की मुकदमा अखराज और मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस दौरान शहबाज गिल के वकला ने सियासी हवाला देना चाहा तो अदालत ने इनके वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। वजारत खजाना का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 29 अगस्त को मसूदे की मंजूरी दे दी जाएगी। वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और IMF कर्ज माहदे के लिए इजहार आमादगी के मसूदे का शकवार जायजा ले रहे हैं। IMF पाकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए डाटा का तफसीली जायजा लेकर वजारत खजाना से रबते में है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। फन कवाली को नई जहत देने वाले मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तह अली ख़ान की आज 25वीं बरसी है। नुसरत फ़तह अली ख़ान को अपने मुनफरिद अंदाज गायकी से आलमगीर शोहरत मिली। वो कवाली, गीत, गज़ल और क्लासिकल समेत गायकी के हर सिंफ पर उबूर रखते थे। उस्ताद नुसरत फ़तह अली ख़ान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। यही वजह है कि शहनशाह कव्वाल को 25 साल गुजर जाने के बाद इनकी बनाई धुने और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस खोल रही हैं। फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी, जिसके बाद भारत अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम हो गया। फीफा के मुताबिक फुटबॉल मामलों में बैरूनी मदाखलत की वजह से भारत को मुअत्तल किया गया है। जब तक फुटबॉल के मामलों मुंतखब बॉडी के सुपुर्द नहीं होते तो रुकनियत मुअत्तल रहेगी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक जावेद लतीफ के दावे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मेरे पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं, अलबत्त जावेद लतीफ के पास कोई खास मालूमात हो तो मुझे इल्म नहीं। अहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुल्क में बदमनी पैदा कर रही है। इस सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शकें मौजूद हैं, मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। परवेज इलाही को पता होगा कि वफाक और सूबाई हुकूमत की हदूद क्या होती हैं। कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाहौर पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पहुंचने पर इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर तुर्किश एयरलाइन के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ अरशद के अहले खाना समेत स्पोर्ट बोर्ड के अहदेदारों, वजीर खेल पंजाब,
मलिक तैमूर मसूद, डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी और डायरेक्टर एडमिन सैयद हमेर शाह ने भरपूर इस्तकबाल किया और इन्हें गुलदस्ते पेश किए। बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बासु और उनके शौहर अदाकार करण सिंह ग्रोवर ने जल्द पहले बच्चे की आमद की तस्दीक कर दी। अदाकार जोड़े ने इंस्टाग्राम पर फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि दोनों जल्द बच्चे के वालदैन बनने वाले हैं। बिपाशा और करण ने मुश्तरका पोस्ट के कैप्शन में लिखा, एक नया वक्त, एक नया मरहला, एक नई रोशनी हमारी जिंदगी में शामिल होने जा रही है जिसने हमें पहले से ज्यादा मुकम्मल बना दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़।